हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में प्रॉब्लम ये है कस्टमर की कि उसका डिजिट कट रहा है। तो ये वाली डिस्प्ले है, तो इसको अपन चालू करते हैं, काट ऑन करते हैं। तो देखिए इस डिजिट में ये दो डिजिट कट रही है, लेफ्ट की फर्स्ट और ये दो डिजिट कट रही है। देखिए तो अपन डिस्प्ले को कैसे सही करते हैं, ये दो डिजिट जो कट रही है इसको अपन सही करेंगे आज के वीडियो में। देखो ऐसा तो वेट सही बताएगा वो, लेकिन ये दो डिजिट उसकी कट रही है। मैंने उसका एपार्ट से केबल चेक कर लिया, कनेक्टर चेक कर लिया, सही है। देखिए अब इसमें अपन एक नई डिस्प्ले लगाएंगे, नई डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे। ये मेरे पास नई डिस्प्ले है, नई डिस्प्ले अपन उसको चेक करेंगे। तो मैं नई डिस्प्ले लगा के भी आपको दिखा देता हूँ कि सही है। ये देखिए ये नई डिस्प्ले है, ये प्रॉपर चल रही है, सारे डिजिट बता रही है पूरे इस तरीके से। ये देखिए सभी में 00 आ गया, लेकिन ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले एक ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट दो डिजिट इसमें कट रही है। तो अपन इसको सही करेंगे। तो वैसे तो सही करने का तरीका आप सभी को आता है, जो भी टेक्नीशियन है सर्विस इंजीनियर है। बाकी ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है, मैं इसको रिपेयरिंग करना कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसको आपको शेयर कर देता हूँ। तो मेरा जो तरीका है वो ऐसा है इसको ठीक करने का, कि ये जो ट्रिक दिख रहे हैं आपको, अब इसमें देखिए दो भाग में ये वाली जो डिस्प्ले है इसमें तीन डिजिट इस साइड है, तीन डिजिट इस साइड है। तो ये जो डिजिट है ये तो सही चल रही है ना। अपनी प्रॉब्लम है उस साइड, ये तो नई डिस्प्ले है, इसको तो अलग रख देते हैं, इसको लगा देते हैं अपन। इसको लगाने के बाद ये देखिए इसको एक बार और ऑन ऑफ करें, तो ये जो तीन डिस्प्ले हैं ये तो सही चल रही है। इस साइड की राइट हैंड की जो तीन डिस्प्ले हैं ये सही चल रही है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड की तीन डिस्प्ले है उसमें से बीच वाली सही है, लेकिन फर्स्ट इस साइड की लेफ्ट की फर्स्ट और ये सेकंड थर्ड वाली ऑफ है। तो अपन को ये तो सही है, तो इसको चेक नहीं करना है, अपन को सिर्फ ये ट्रैक देखना है, ये वाला ट्रैक चेक करना है कि इस ट्रैक में कैसे चेक करते हैं। तो अपन को मल्टीमीटर को क्या करना है, कनेक्टिविटी मोड पर रखना है। ये हो गया इसका कनेक्टिविटी मोड, उसके बाद अपन इसके ट्रैक चेक करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मैं डिस्प्ले को ऊपर निकाल लेता हूँ और काट ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए अपन को ये वाला सही है ना, ये वाला ट्रिक करना है अपन को इस टाइप से। तो सिक्स पिन इस साइड है, सिक्स पिन उस साइड है, तो ये 6 और 6 12 12 पिनों के ट्रिक को अपन को इस पॉइंट तक चेक करना है, कनेक्टिविटी कहाँ पे लूज आ रही है, कहाँ पे सही आ रही है, और उसके बाद अपन इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन ये वाले ट्रिक को चेक करते हैं। जैसे करते हैं अपन, आपको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से ही करता हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी क्लियरिटी में दिक्कत आ सकती है। जैसा मान लो कि अपन ने ये वाली पिन का ट्रैक है इस वाली का, तो ये ट्रैक कहाँ से गया, ये गया यहाँ से, ये सेकंड वाली आई है, ये गई है ये, और यहाँ से दो में डिवाइड होके ये मिली है आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। या एक मिनट में ना, शायद रुकिए, ये वाली डिजिट ये वाली पिन को यहाँ से चलेंगे, हाँ ये आई है ये, और ये इसमें आई है, तो एक तो इसमें मिली है, तो ये कनेक्टिविटी बता रही है सही। दूसरी बात, यहाँ से डिवाइड होके इधर से यहाँ पे आई है, ये भी कनेक्टिविटी सही है, मतलब ये वाली पिन। सेकंड पिन में चलते हैं, ये सेकंड पिन की अपन ट्रैक करते हैं, ये वाली लाइन यहाँ की यहाँ मिली है, तो ये सही बता रही है, यहाँ भी चालू है ना। उसके बाद थर्ड वाली मिल जाते हैं, थर्ड वाली पिन कहाँ से आई है, ये जा रही है ये टाइप से ऐसे यहाँ पे आके मिली है, तो ये भी बता रही है सही।
फोर्थ वाली को देख लेते हैं। ये ट्रैक, इसका ट्रैक अपन एक तो यहाँ मिल रही है, ये कनेक्टिविटी सही बता रही है। इसके बाद इससे था ये वाली से मिली है इस साइड, ये भी कनेक्टिविटी सही बता रही है। नेक्स्ट वाली ये बताएंगे, इसको ट्रैक करेंगे तो अपन ट्रैक करते करते ये कहाँ गई है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको ये वाली फिफ्थ वाली। फिफ्थ वाली का ट्रैक ये जा रहा है, ये आगे जाके आपको यहाँ मिला है शायद, ये कनेक्टिविटी ये भी सही है। ठीक है, इस तरीके से अब अपन इस साइड के चेक करेंगे, इस साइड की 6 पिनों का कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो देखिए इसमें ये वाली का ट्रैक कहाँ जा रहा है, ये ट्रैक को फॉलो करते करते यहाँ पे आके मिल रहा है, राइट है ये तो चल रही है। सेकंड वाली का ट्रैक चेक करेंगे तो सेकंड वाली का जो ट्रैक है ये जा रहा है इस साइड से घूम के यहाँ पे मिल रहा है, ये नहीं बता रहा है, देख ले ये कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है, सेकंड वाली इसमें नहीं आ रहा है। थर्ड वाली का देखेंगे, थर्ड वाली का ये वाली का यहाँ से जाके ये आया, सबसे लास्ट वाली ट्रैक, सबसे लास्ट वाली ट्रैक कहाँ आके मिली, यहाँ आके थर्ड वाली का ये कनेक्टिविटी बता रही है। मल्टीमीटर में आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा मल्टीमीटर आपको शायद दिख नहीं रहा कैमरे में, इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं आपको। थर्ड वाली को चेक करा था अपन ने, थर्ड वाली को ये देखिए, थर्ड वाली का ट्रैक कहाँ आके मिला, यहाँ ये देख ली कनेक्टिविटी बता रही है। फोर्थ वाली का देखेंगे, फोर्थ वाली की ये जा रही है यहाँ के इस पिन पे, ये बता रही है कनेक्टिविटी। इसके बाद फिफ्थ वाली का देखेंगे ये ट्रैक, तो ये ट्रैक ये बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला है, ये घूम के यहाँ से इस तरीके से ये वाले में आगे, ये देखो ये भी चालू है। और ये लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला ट्रैक जाके यहाँ मिला है, ये भी नहीं बता रहा है, देख लो आपको। तो इसको अपन जम्फर लगा के अपन इसको टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ट्रैक को अपन, तो इसमें दो में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, बाकी कनेक्टिविटी आ रही है, तो दो में अपन जम्फर लगा के इसको करते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरा कनेक्टिविटी एक तो ये फर्स्ट डिजिट में नहीं बताई है, फर्स्ट वाली में, और कनेक्टिविटी और ये सेकंड में, ये सेकंड वाली इधर से और फर्स्ट वाली में कनेक्टिविटी नहीं बताई। तो अपन इसको क्या करेंगे कि इसमें जम्फर लगाएंगे, जम्फर कैसे लगाएंगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे इसकी कनेक्टिविटी नहीं बताई तो अपन ने इसमें एक तार को सोल्डिंग कर देंगे, यहाँ से ये मैंने सोल्डिंग कर दिया। आप सोल्डिंग करने के बाद इसका ट्रैक देखेंगे अपन, थोड़ा सा मैं इस टाइप से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये वाला देखिए, इसका जो ट्रैक है ये वाली सेकंड लाइन है, ये जा रही है, देखिए ये जो सेकंड लाइन है इसका ट्रैक है, ये जा रही है यहाँ पे जाके इससे मिली, ये यहाँ पे जो कनेक्ट लगा ना, ये फर्स्ट पिन से लिखी, तो इसको डायरेक्ट अपन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस केबल को उठाऊंगा मैं और कहाँ कर दूंगा इसको कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये लगा दिया मैंने जम्पर, ये देखिए ये लगा दिया जम्पर, इस पिन को डायरेक्ट ट्रैक करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरी कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी ये सेकंड वाले पिन में, तो एक जम्पर उठा के मैं सेकंड वाले में भी लगा दूंगा, ये सेकंड में एक जम्पर जोड़ दूंगा मैं इस तरीके से। अब इसकी इसकी अपन ट्रैक देखेंगे, इसका ट्रैक कहाँ जा रहा है, सेकंड वाले का ट्रैक ये है, सेकंड वाले का ट्रैक देखिए यहाँ से होके ये जा रहा है, ये आ रहा है और यहाँ आके इस ये साइड वाली से मिला है, तो इसको अपन ये जम्फर को इसके जस्ट साइड से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अपन ने दोनों को ये बात
ये अपन ने इसको सोल्डिंग कर दिया है, डायरेक्ट जम्पर कर दिया है ना। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको, आप इसका ट्रैक को भी सही कर सकते हैं, ट्रैक को बीच में से कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि पुराने डिस्प्ले है ये, तो इसमें दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये मैंने इस तरीके से जम्पर लगा दिया, मेरे दो पिन में कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तो मैंने इस पिन से सब ट्रैक को चेक करा है। अब देखते हैं अपन इसको चालू करके कि ये कैसा दिखा रहा है। ये देखिए अब प्रॉपर सारी डिजिट बता रही है, ये देखिए सब में 00 आ जाएगा। ये देखिए पूरे में 00 आ गया, मतलब अपनी डिस्प्ले सही हो गई। और ये अपनी नई डिस्प्ले थी, इसको अपन ने पहले भी चेक किया था। देखिए इस तरीके से अपन डिस्प्ले को सही कर सकते हैं, क्योंकि मेरा FRC केबल सही था, कनेक्टर मैंने सही कर लिए थे, नई डिस्प्ले लगा के चेक कर ली थी। अपने में सिर्फ फॉल्ट वहीं पर था कि दो ट्रैक अपने ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपन डिस्प्ले को, अच्छा मैं इसको अभी हटा दूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। ये भी देख लीजिए, मैंने इन दोनों जम्फरों को यहाँ से हटा दूंगा। ये हटा दिया, ये हटा दिया मैंने, ये हटा के अलग कर दिया इनको, फिर मैं काटा ऑन करूँगा। तो देखिए इस तरीके से ये दो डिजिट नहीं दिखाएगी, एक ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनके ट्रैक बीच में से ख़राब है। तो आप तो या इससे बदले तार लगा के जम्फर चालू कर सकते हो, या ट्रैक लगा सकते हो, या फिर अपने ट्रैक को कनेक्टिविटी चालू करके ट्रैक को सोल्डरिंग करके एक वायर से उसको डिस्प्ले को चालू कर सकते हो। तो मैं ये अभी रहने देता हूँ, क्योंकि कस्टमर है तो कस्टमर को देना है मुझे इसको, तो मैं इसको नई डिस्प्ले ना लगाते हुए इसी से इसका काम चला दूंगा। तो मैं इसको सोल्डिंग रहने देता हूँ यहीं पर, या इससे छोटे वायर भी ले सकते हैं अपन, मैंने काफ़ी बड़े वायर लिए। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके अच्छे से इसको, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतने बड़े वायर लिया, हालांकि इतने बड़े वायर नहीं लेना चाहिए, छोटे वायर लेके इसको कर दूंगा मैं, ताकि इसको कनेक्ट करने में या सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इस तरीके से डिस्प्ले का डिजिट, अगर एक दो डिजिट ख़राब हो उसके, तो इस तरीके से इन ट्रैकों को फॉलो करके कनेक्टिविटी चेक करके उनको चालू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का, आप सभी ने मेरी वीडियो देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।